हाय फ्रेंड, आई डी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब इस तरह आकृतियों वाले प्रश्न आते हैं तो बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते ही नहीं हैं, और कुछ लोग करते हैं तो उसको बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताएंगे आप कम समय में कैसे लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसकी आकृतियों की संख्या गिन लीजिए। इसमें एक या दो ऑप्शन तो ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो जितनी आकृतियाँ इसमें हैं, ठीक है, यानी प्रश्न में जितनी आकृतियाँ, उत्तर में उतनी आकृतियाँ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको गलत ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है कि कौन सा आंसर इसका गलत दिया है। तो हम सिर्फ गलत को ढूंढेंगे, जब गलत हमें पता चल जाएगा कि ये जैसे तीन विकल्प गलत ढूंढ लेंगे तो जो चौथा बचेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है, ना कि सही। यही बेस्ट तरीका है लगाने का। तो देखिए इसमें कैसे, आप पहले काउंट कर लीजिएगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। तो पहले उस देखिए किस किस ऑप्शन में 16 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें कितना है, 5 दिखाई, इसमें कितना दिखाई है, 5, और एक कितना है, 4, 9, 9 3 12, 12 3 15। देखिए इसमें कितना आकृतियाँ, 15, और क्वेश्चन में कितना है, 16 है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें कितना है, 4, 4, 4, 8, 8, 5, 14, ठीक है, 8, 5, 13, और 13, 3 कितना होगा, 16। अब देखिए प्रश्न में भी 16, इसमें भी 16, यानी ये हो सकता है। अब इसमें काउंट कर लीजिए, 3, 3, 6, 6, और ये कितना होगा, 6, 5, 11, और 11, 5, 16, यानी इसमें भी 16 है, ये भी हो सकता है। इसमें देख लीजिए, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 5, 14, यानी ये नहीं हो सकता, ये 14 नहीं हो सकता है, और ये 15 वाला नहीं हो सकता है। कौन ऑप्शन हो सकता है, बी और सी हो सकता है। अब इन दोनों देखिए कैसे छाटेंगे आप, अलग कैसे करेंगे। देखिए, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, ये दोनों तो ऐसे कट गए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ा फिगर उठाना है। ठीक है, सबसे बड़ा आकृति उठाना है, तो देखिए किसमें है, कितने हैं, देखिए ऐसे 4 एक ए है, 1 5 है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में जो प्रश्न है उसमें 5 आकृति कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी 5 का कहाँ दिखाई दे रहा है, तो देखिए एक ऐसे दिखाई दे रहा है, 4, 1, 5। ठीक है, या एक ऐसे हो सकता है, 4, 1, 5। तो दो ही जगह पे 5 दिखाई दे रहा है, दो ही जगह क्या दिखाई दे रहा है, 5 बन सकता है, और कहीं पर भी देखेंगे 5 नहीं बनेगा। तो या तो आकृति ये वाला यहाँ हो सकता है, या ये वाला आकृति यहाँ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो देखिए एक आकृति यहाँ कहाँ बाहर हो जा रही है, जब इसको अगर ये वाला यहाँ पे रखेंगे तो एक आकृति बाहर हो जा रही है। अब देखिए कोई एक सिंगल पीस नहीं आकृति का जो यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब या तो फिर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आकृति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई एक सिंगल आकृति नहीं है, ठीक है, जो इसके रखने पर बन जाएगा, यानी जब इसको अगर लेंगे तो इससे देखिए ये बन नहीं रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृतियों के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फिगर को काउंट करेंगे, ये कितना है, तो देखिए ये कितना है, देखिए ये इतना 4 है, 4 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी प्रश्न में कितनी आकृति है, 16। तो सबसे पहले काउंट करेंगे कि इसमें 16 नहीं है, तो देखिए इसमें कितना है, देखिए इसमें 4 है, ठीक, कितना है, 4 है, इसमें भी 4 है, 4, 4, 8 हो जाएगा, इसमें 5, 8, 5, 13, 3, 16, यानी ये हो सकता है। इसमें काउंट कर लीजिए कितना है, 5 है, कितना है, 5, और इसमें कितना है, 4 है, तो 5, 4, 9 हो जाएगा, 9, और ये कितना होगा, 9, 5, 14, और 14, 4 कितना हो जाएगा, 9, 5, 14, 4, 18, यानी इसमें 18 है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये आपको मिल गई, एक ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसी तरह इसको काउंट कर लीजिए, 3, 3, 6, 4, 10, और ये कितना है, 10, 5, 15। अब देखिए प्रश्न में 16 है, इसमें 15 है, यानी ये भी नहीं होगा। तो इसमें कितना है, देखिए 4, और ये कितना है, 5, 4, 5, 9 हो जाएगा, और 9, 5, 9, 5, 14, 14, 2, 16, यानी देखिए डी हो सकता है और ए हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है। अब इन दोनों में कैसे अलग करेंगे, देखिए ऑप्शन आपको मिल गया कि या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, कौन कौन नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा। अब इन दोनों में बताएं कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी आकृति देखनी है। जैसे डी में देखिए, तो डी में सबसे बड़ी आकृति कितना है, देखिए ये 4, 1, 5 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 कहाँ पर बन रहा है,
देखिए सबसे बड़ा आकृति देखिए पांच कहाँ बन रहा है, तो ये पांच देखिए जैसे तीन है ठीक है, ये चार है ठीक है, चार के बाद एक ऐसे करना है ठीक है, पांच एक ऐसे बन सकता है। नहीं अगर नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ कितना बन रहा है, एक पांच बन रहा है ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है पांच बन रहा है। तो अगर ये वाला यहाँ पे रख देंगे, ये वाला तो नहीं होगा ठीक है, तो अगर यहाँ पे रख सकते हैं या तो यहाँ पे रख दीजिए, और पांच वाला देखिए कहीं पे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अगर ये वाला यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए हम ये वाला यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये वाला देखिए जो प्लस वाला है ये कहीं पे बन ही नहीं रहा है ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा तो प्लस वाला कहीं पे बन रहा है ये वाला ठीक है, ये कहीं पे बनेगा नहीं, अगर यहाँ पे एक ऐसा होता तो यहाँ पे बन जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस वाला नहीं बन पाएगा और यहाँ पर भी प्लस वाला नहीं बन पाएगा ठीक है, तो और कहीं पे प्लस वाला नहीं बन पा रहा है, यानी ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा एक ही बचा, वहीं क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, तो सबसे पहले आप आकृतियों को गिनेंगे, देखिए तीन एक है, ये कितना है चार, तीन सात, दो नौ, दो ग्यारह, एक बारह, बारह तीन पंद्रह, दो सत्रह, यानी प्रश्न में आकृतियों कितना है संख्या है सत्रह है, तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए किसमें सत्रह नहीं है, तो देखिए ये कितना है चार, ये भी कितना है चार, चार आठ हो जाएगा, इसमें कितना है पाँच है, तो आठ पाँच तेरह, और तेरह चार कितना हो जाएगा सत्रह, यानी ये पॉसिबल है। इसमें देखिए कितना है चार है, इसमें कितना है पाँच, तो पाँच चार नौ, और नौ पाँच कितना हो जाएगा, नौ पाँच चौदह, चौदह तीन सत्रह, यानी ये भी पॉसिबल है। इसमें काउंट कर लीजिएगा, इसमें चार पाँच नौ, नौ चार तेरह, तेरह तीन सोलह, यानी इसी वाला पॉसिबल नहीं है। इसमें देख लीजिए कितना है चार तीन सात, और सात पाँच बारह, और बारह ये पाँच सत्रह, यानी डी वाला भी पॉसिबल है। तो इसमें से सिर्फ फिगर काउंट करने पे एक ही ऑप्शन अलग हो रहा है, एक ही ऑप्शन अलग हो रहा है, तो आपको मैच कराना है। देखिए सी तो नहीं होगा, अब इस पर कोशिश करना ही नहीं। अब देखिए इसमें कोई फिगर एक ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए टी लेते हैं, तो देखिए टी कहाँ बन रहा है, एक जगह बन रहा है यहाँ पे ठीक है, तो जब अगर टी यहाँ पे एक बन रहा है और कहाँ पे टी बन रहा है, ऐसे एक जगह यहाँ पे बन रहा है ठीक है, देखिए टी दो ही जगह बन रहा है, तो जैसे अगर यहाँ पे टी रख देंगे, ये वाला जब अगर टी रखेंगे और देखिए कहीं पे टी बनेगा ही नहीं, तो ये दो ही जगह बन रहा है, तो जब टी बना यहाँ पर बनेगा तो देखिए दो आकृति यहाँ पर शेष रह जाएगा, यहाँ बनेगा तो दो आकृति शेष रहेगा। अब देखिए दो आकृति कहीं पे है, दो आकृति वाला कोई इसमें फिगर नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी वही हाल है कि इसमें अगर टी यहाँ पर रखेंगे तो दो आकृति शेष होना चाहिए, देखिए भाई जब अगर ये वाला टी यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर जोड़ने के लिए दो आकृति की जरूरत पड़ेगी, या इसको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी दो आकृति की जरूरत पड़ेगी, तो यानी ये वाला जहाँ पर रखेंगे और तो टी कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो यानी यही दो जगह हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग से आकृति जोड़नी पड़ेगी, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो एक ए भी कट गया ठीक है, कौन कट गया, ए कट गया और सी कट गया ठीक है, सी कट गया, देखिए बी भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी टी है ठीक है, इसमें भी टी है, तो इसमें भी वही हाल कर होगा, अगर ये टी यहाँ रख दिया जाएगा तो दो आकृति इसमें कट जाएगा, कहीं पर देखिए अलग से दो आकृति नहीं है, यानी बी भी नहीं होगा, तो एक ही बचा कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए तीन अगर हम गलत ढूंढ लिए तो चौथा जो बचेगा वही क्या होगा, सही होगा। हम आपको सबसे पहले बताए हैं कि आप सबसे पहले आपको सिर्फ गलत ढूंढना है, जब गलत ढूंढ लेंगे तो सही का आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, तो देखिए इसमें जब आप काउंट कर लीजिएगा, देखिए ये दो दो चार हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, पाँच तीन आठ, दो दस, दो बारह, तेरह, तेरह तीन सोलह, इसमें कितना है सोलह है, और इसमें देखिए चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है ठीक है, तो अगर ये चार चार हैं ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, सोलह हो जाएंगे, यानी ये हो सकता है। इसमें देखिए कितना है, ये पाँच है, पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, और बारह चार सोलह, यानी ये भी हो सकता है। इसमें कितना है, तीन दो पाँच, तीन आठ, आठ तीन ग्यारह, और ग्यारह पाँच सोलह, यानी ये भी हो सकता है। तीन तीन छः, छः पाँच ग्यारह, और ग्यारह छः पाँच ग्यारह, और ग्यारह चार पंद्रह, यानी डी वाला नहीं होगा। देखिए इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, छः इसमें पाँच है, तो छः पाँच ग्यारह, और ग्यारह चार पंद्रह, यानी एक ऑप्शन कट रहा है, देखिए तो डी नहीं होगा। जब डी नहीं होगा तो अब बचा कौन, तीन बचा है,
ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, इसी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाने से देखिए कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो बताएं कि उसमें से सबसे पहले सबसे बड़ा फिगर ले लीजिएगा कोई, देखिए। तो चलिए बी से शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें बीस में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार आकृति है और इस तरह का, तो देखिए ऐसे कोई है कि जहाँ पे चार बन रहा है, तो देखिए चार इसमें कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो चार सिर्फ एक ही जगह बन सकता है, इस वाले लाइन में, ठीक है। और इसमें ये क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देखिए अगर हम इसको ले लेते हैं चार, ठीक है, तो एक ही होना चाहिए। देखिए जैसे इसको हम लेते हैं चार आकृति, ठीक है, तो एक क्या हो रहा, ऊपर हो रहा, एक यही पॉसिबल है। या तो नीचे हो सकता है, ठीक है, या तो ऐसे इसको नीचे वाला ले लीजिएगा, चाहे ऊपर वाला ले लीजिएगा। तो यहाँ से पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से एक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर हम नीचे रखेंगे, ठीक है, चाहे नीचे रखें चाहे ऊपर रखें, तो देखिए यहाँ से एक कोई तीन हो रहा है। अगर ये वाला ऊपर वाला लेंगे तो देखिए कहाँ कहीं पे तीन इसमें दिख रहा है, इस तरह ये वाला यल मॉडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यल मॉडल नहीं दिख रहा है। ऐसे देखिए ऐसे ये वाला जो यल है ये नहीं दिख रहा है। तो अगर ऊपर वाला लेंगे तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, अगर नीचे वाला लेंगे, ठीक है। देखिए फिर इसको बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर ये वाला हम ये वाला ऊपर वाला लेंगे, ठीक है, तो ये वाला नहीं मिलेगा। अगर हम नीचे वाला ले लेंगे, ठीक है, अगर हम नीचे वाला लेंगे, ठीक है, अगर नीचे वाला लेंगे तब भी ये नहीं मिलेगा, यानी बी वाला भी नहीं होगा। तो डी पहले नहीं था, दो ऑप्शन ऐसे कट गए। अब देखिए इसमें सी देख लीजिएगा, ठीक है, तो सी वाला में देखिए सी वाला कैसे चेक करेंगे, तो देखिए बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो सी का क्या करेंगे, इसमें है कितना, देखिए पाँच। अब देखिए इसमें कोई टी ऐसे बन रहा है, तो जब टी ढूंढेंगे तो देखिए टी एक ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, टी ऐसे मिल जाएगा, और कहीं पे टी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अगर टी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो अगर टी रखेंगे तो देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए अगर टी यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बन रहा है, तीन ऐसे बन रहा है, तो ये वाला आकृति हो सकता है, ये वाला आकृति हो सकता है। लेकिन देखिए इसको घुमा के रखेंगे तो हो सकता है, यानी ये हो सकता है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर तीन बचा हुआ, तो यहाँ पे तीन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तीन ये रख देंगे, चाहे ये ऐसे रख देंगे, तो ये वाला पाँच एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये वाला जो पाँच है ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। देखिए ये वाला फिगर कहीं पे बनी नहीं पाएगा इसमें, तो यानी ये वाला सी नहीं होगा। जब ये तीनों एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।